भाई किशनगंज जाएगी क्या? हाँ जाएगी, आ जाओ। तेरा इंतजार कर रहा था, अब जाके तू हाथ लगा है। सर प्रणाम। सर नमस्ते। नमस्ते। यही रूम है। उठो मत। काफी चोट आई है, लगता है बहुत मारा है उन्होंने। तुम गांव से कब आए? कल रात को ही आया। कल रात आए? हाँ मालिक, कल रात आए और सुबह उनको पता भी चल गया। लगता है मेरे आदमियों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है आजकल। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, रेस्ट करो, ठीक हो जाओ तो फिर घर आ जाओ। ठीक है मालिक। एक बात और, ऐसे में पुलिस के पास जाकर केस करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। SI से मैं बात कर लूंगा, वो सब कुछ देख लेगा। रेस्ट करो। हाँ ठीक है मालिक। चलो सब
क्या रे शिवा, तू गांव वालों से झगड़ा क्यों करता रहता है? ऐसा ही सब आ रहा है, ठीक से बैठ शिवा, ठीक से बैठना। सर, पुलिस स्टेशन में ऐसे बैठा जाता है? ऐसे घूर के क्या देख रहा है? आंखें नीचे कर, सर भी नीचे कर। बता क्यों मारा उसको? दिमाग खराब हो गया था क्या? आप फिर से बोल। हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है कि तू जिसे चाहेगा उसे मारेगा? अब जब डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा कि पुलिस क्या होती है। एसआई, रुक। हाथ हटा, हाथ हटा। मेरे बेटे को क्यों लेके आया? जब जिस पे चाहे हाथ उठा देता है तेरा बेटा। पुलिस स्टेशन ना लाऊं तो और क्या करूं? इसने मारा है क्या? तूने ये देखा? इसने मारा, इसका कोई सबूत? कंप्लेन है ना, एफआईआर दिखा। किसी ने भी बोल दिया और किसी की भी बात सुनकर इसको पुलिस स्टेशन लेकर आ गया, ये सब नहीं चलने वाला। ए शिवा, चल। ए डैडी, आज तो ये बच सकता है लेकिन जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया ना, तू भी नहीं बचा पाएगा। ए चल निकल। कितनी बार बोला, समझ में नहीं आता। काली को मारने की क्या जरूरत थी? तू कर क्या रहा है, तुझे पता भी है? क्यों पूरे गांव में अपनी बेइज्जती करवाता फिर रहा है तू? तू जो कर रहा है ना बेटा, उससे मुझे बहुत डर लगता है। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन बेटा। बोलिए डैडी। ये गांव छोड़कर चला जा तू। इसके अलावा तुझसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा, चला जा। इसके अलावा आप कुछ भी कहो, मैं करने को तैयार हूँ। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। जिसे मैं चाहता था वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए डैडी।
क्या बात है रे? आजकल शिवा के मन में जो आता है वो करता है। अब क्या किया उसने? उसने रेती के लॉरी के कांच तोड़ दिए और हमारे आदमी को मारा भी। हर जगह हमारे आदमियों से झगड़ा कर रहा है और डैडी भी उसी का साथ दे रहे हैं। एमआरओ और कलेक्टर को कंप्लेन भी कर रहे हैं। करने देना, वो एमआरओ हमारा ही आदमी है। उस एमआरओ को भी शिवा नहीं मारा था, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा काशी। अगर बिल्ली को कभी गुस्सा आ जाए तो वो शेर की तरह हमला कर सकती है। जल्दबाजी में अगर हमने एक दूसरे पर हाथ डाला तो इसका फायदा कोई तीसरा आदमी उठा सकता है। इसलिए हमें जो भी करना है वो साथ में करना होगा। हम सही टाइम का इंतजार करेंगे। कब तक करेंगे? उस विश्वनाथ को भी उसने नहीं छोड़ा। कल रात को उसने उसके खेतों में रखी अनाज की बोरियों में भी आग लगा दी। विश्वनाथ, ये सब कैसे हो गया? डैडी, नाटक मत करो। मुझे पता है ये सब कुछ तुम खुद उससे करवा रहे हो। मैं क्या करवा रहा हूँ? पागल जैसी बातें मत करो। गांव में कुछ भी होगा तो वो मैंने करवाया। मुझे जो बोलना है बोलो, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना। बहुत सपोर्ट कर रहे हो उसे आजकल। हर बार आग लगाओगे तो हम हर बार नहीं बुझाने आएंगे। एक दिन उसी आग में तुम्हें भी जला डालेंगे। हाँ हाँ पता है, तुम जलाओगे और हम देखते रहेंगे। ए लक्ष्मण। हाँ डैडी। चल। हाँ। बोरियां बराबर जली नहीं है लेकिन विश्वनाथ की तो बराबर जली है डैडी। कहीं सच में शिवा नहीं तो नहीं? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लंका जलाने की हिम्मत तो सिर्फ हनुमान में ही थी और विश्वनाथ की बोरियों को जलाने की हिम्मत आप लोगों में ही तो हो सकती है ना डैडी। यहाँ जो भी बकवास कर रहे हैं ना वो बाहर किसी के सामने मत बोलना। चल ठीक है। टिकट दो। कितनी? एक टिकट चाहिए। एक टिकट के पूरे 100 रुपए होते हैं। हाँ ला दो। हेलो। हाँ कब? भैया भैया क्या हुआ?
ओए, सब कुछ लेकर आया ना? हाँ डैडी। ठीक है जल्दी जरा। अरे जल्दी निकाल रहे। कन्हैया, पप्पू आखिर में शादी की पार्टी दे रहा है। अरे लक्ष्मण, देखा इसकी भी शादी हो रही है। डैडी, मेरी शादी हो रही है ना, तो इसको जलन हो रही है। अरे मुझे काहे को जलन होगी? हो तो रही है। तू शादी करे, यही तो मैं चाहता हूँ। अच्छा, अरे तू शादी करके बहुत खुश रहेगा, सोच रहा है ना? तेरी बैंड बज जाएगी बेटा, क्या सोच रहा है तू? ये कैसी बातें कर रहा है डैडी? आपको इसकी राम कथा मालूम नहीं? शादी शादी करके शादी के पीछे मत भाग बेवकूफ लड़के, तू जल्दबाजी में जो कर रहा है फैसला, तेरी जो बजती रहेगी दिन रात। 10 मिनट का जो सुख है वो तेरे दिन रात का चैन मिटा देगा, जिंदगी भर तेरी बजती रहेगी। सच में मेरे बच्चे, जिम्मेदारी और बोझ तले तेरे बाल झड़ते रहेंगे, तेरा चेहरा सूज सूज कर कुत्ते के जैसा हो जाएगा, रोड रोड घूमता रहेगा, आवारा कुत्ता कहलाएगा, और एक दिन सांड की तरह भागता दिखाई देगा, और एक दिन चेहरा छुपाते हुए इधर उधर घूमता रहेगा। फिर हम सब बोलेंगे, क्या बोलोगे? पप्पू की शादी है, मेरे यार की शादी है, धूमधाम से इसकी शादी। डैडी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा डैडी, मैं यहाँ रुकाना तो ये लोग मेरी शादी का मजाक उड़ाते रहेंगे डैडी। मैं जा रहा हूँ। अरे बैठ जा। मुझे बैठना बैठना नहीं है डैडी, जा रहा हूँ। अरे तेरी शादी की बात करनी है ना। ए, मेरा प्यारा बच्चा, तुझे ऐसे खुश देखे कितने दिन हो गए। तेरी इस हालत की वजह सिर्फ मैं हूं। मैं तुझे जिस तरह से पालना चाहता था उस तरह से पाल नहीं पाया, इसलिए मुझे तेरे माँ बाप से माफी मांगनी होगी। ए शिवा, तुझे तेरे माँ बाप याद है क्या? वो सीताराम जैसे थे, कितने अच्छे लोग थे पता है। अगर कोई भूखा रहता था ना, तो वो उसे अपना निवाला खिला देते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से हूं। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनों सा प्यार दिया, और इतने महान लोग मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट में इन्हीं हाथों में उन्होंने अपना दम तोड़ा। पूरा गांव रोया था, पूरा गांव, और तब तू इतना छोटा था, पर तू उस वक्त नहीं रोया, हंसते हुए आकर मेरे सीने से लग गया, और मैंने फैसला कर लिया कि तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। पर आज जब तुझे इस तरह से देखता हूं ना, मेरे माँ बाप कौन है मुझे याद नहीं है, वो कैसे दिखते हैं ये भी मुझे याद नहीं, मेरे लिए सब कुछ आप हो डैडी, बस आप ही। आप हो तो मुझे क्या गम है। आई लव यू डैडी, आई लव यू। मेरे बेटे, मेरे लिए एक काम करेगा तू? हाँ करूंगा डैडी, आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो मेरी बात सुनना, तू ये गांव छोड़कर चला जा। नहीं जाऊंगा डैडी, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगो दे दूंगा, लेकिन मुझे गांव छोड़ने के लिए मत कहिए। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ऐसे ही रहेगा? कितनी बार बोला, समझ में नहीं आता? जो तेरे मन में आए कर। ए लक्ष्मण। हाँ डैडी। चल। अरे ए, तुझे अलग से बोलूं क्या? बेटी आ जाओ, आ जाओ। बेटी, सफर तो अच्छा रहा ना? तुम ये निरूपा राय के पुराने डायलॉग क्यों बोल रही हो? ये किसी घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में आई है जो इसे तकलीफ होगी? चलो बेटी। आओ बेटी। नमस्ते। नमस्ते सर, वो जमीन के सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। हाय ग्रानी।
अरे ये तेरा हाय बात छोड़, ये तूने किस तरह के कपड़े पहने हैं? तू बाहर कैसे भी कपड़े पहन ले, लेकिन गांव आ रही थी तो ढंग के कपड़े तो पहन लेती। वैसे भी आपकी जाने की उम्र हो गई है, फिर भी मेरे कपड़ों से परेशानी है। मैं ऊपर जाऊँ या ना जाऊँ तुझे क्या करना है? तुझे जो बोला है वो कर, मेरी जाने की राह देख रही है तू? ये देखने से अच्छा मैं मर जाती। मरना ही है तो देर क्यों करें, बाद में क्यों? मैं अभी ऊपर भेज देती हूँ, जाओ ऊपर जाओ। ये आपके लिए लाई हूँ, नाइट स्प्रे डालकर सोएंगी तो बहुत अच्छे सपने आएंगे। सुन रही है तू इसकी बातें? मुझे इसका रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात सुनिए, मुझे जैसा पसंद है मैं वैसी रहूंगी, और मन करेगा तो उतार भी दूंगी। मुंह बंद करके देखती रहो। सुनो रुमाल लेकर आओ जरा। अरे विश्वनाथ, तूने अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ाया, वहाँ का पता नहीं, लेकिन तेरी बेटी बहुत बददिमाग हो गई है। माँ वो कुछ दिनों के लिए यहाँ ये खुशी खुशी रहने दो, उसे आपकी वजह से ही उसने घर पर आना छोड़ दिया है। मालिक हाँ। सब लोग इंतजार कर रहे, चलिए। ये लीजिए आपका रुमाल। सुनिए आप उसे छोड़ दीजिए, वहाँ काउंटिंग का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं दोनों में कब बनेगी। क्या बात है डैडी, हार जाओगे इस बात का डर लग रहा है? सामने खड़ा होकर वोटिंग करवा रहा है तुम्हारा नेता। जीतने वाला अक्सर एक कदम आगे रहता है काशी। ए लक्ष्मण, कोई कुछ भी बोले जीत तो हमारी है। गांधी जी का चेहरा इधर कर दो। अबे तेरी तो डैडी, हाँ भाई, शिवा अगर गांधी जी की मूर्ति को छुआ भी तो अच्छा नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं तुझे सुनाई नहीं देता? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बातचीत से मसला हल कर। अबे बातचीत गई तेल लेने, तुझे तो ठीक कर रहा था। बोलूंगा नहीं तुझे, क्या बात कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे छुआ तूने मूर्ति को? जीत गए हम। हमेशा ही ये लोग कोई ना कोई चाल चलकर जीत जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ए काली। मालिक। जीता मैं या वो? पैसे उसने खर्च किए या मैंने? शाबाशी मुझे मिलनी चाहिए या उसको? खुशी मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में ये क्या है रे? बात करेंगे। दिल में जो भी बातें हैं वो सब बातें करनी होंगी। हाँ। जिता दिया तुमने। रुक जाओ रुक जाओ, जीतना तुम्हारे लिए नई बात होगी, मेरे लिए पुरानी है। सब लोग अपने अपने घर जाओ। ओके।
हाँ विश्वनाथ, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब करेंगे हम जनता से जो भी वादा किया सब पूरा करेंगे। हम बीच में चाहे कोई भी काशी आ जाए वो भी देखेगा हम क्या कर सकते हैं। हाँ करेंगे ना। ए शिवा, थिएटर कैसा चल रहा है तुम्हारा? एकदम फर्स्ट क्लास। तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पीछे डैडी जो है फर्स्ट क्लास ही होगा। डैडी कोई आम इंसान नहीं है। काशी ने इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए थे। इनकी जगह कोई और होता तो इलेक्शन जीत पाता क्या? लड़की की फितरत आप पर गई है। अरे ये भी कोई मजाक की बात है, मेरी फितरत होती तो इसका रंग मेरे जैसा होता, लेकिन ये अपनी माँ पर गई है। लीजिए लीजिए लीजिए। बेटी को कहाँ तक पढ़ाया है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है इसने। तो आपको लड़का भी वैसा चाहिए होगा। लड़का तो हम देख ही रहे हैं, अच्छा रिश्ता मिल जाए बस। हाँ ये बस। शिवा अंदर जाके देख खाना बनाया नहीं, टाइम हो गया। हाँ देख क्या तुम। आंटी सुनिए। क्या हुआ शिवा? खाना तैयार हुआ कि नहीं ये देखने के लिए बोला है। मैंने सब कुछ बाहर रखवा दिया है। हे भगवान, किचन में रहो तो बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। शिवा पकौड़े गर्म है, खाकर जाना ठीक है? हाँ ठीक है। सॉरी। ऐसे टच क्यों किया, देखना चाहिए था ना। सॉरी देखा नहीं। मैं भी यही बोल रही हूँ कि देखना चाहिए। वैसे तुमने कहाँ टच किया तुम्हें पता है ना? बताने की जरूरत नहीं है, जानबूझकर टच किया था ना तुमने। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था, जो हुआ अनजाने में हुआ। सॉरी। तुमने जानबूझकर ही टच किया होगा, बताऊंगी तुम्हें। क्यों भाई, कलेक्शन कैसा है? सुपर है भाई, कमाल की फिल्म है। अगर ऐसे ही कलेक्शन होता रहा ना भाई तो हम लोग ऐसा ही थिएटर अपने गांव में बना सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन का सारा हिसाब डैडी को दे देना। हाँ ठीक है भाई। जरा जाकर नारियल और बूंदी लेकर आ। आपके रोने से मेरा यहाँ सिर फट रहा है। हार बर्दाश्त नहीं हुई तो गुंडों को भेजा मारने के लिए, ये सब उसी काशी का काम है। वो हार गया इसलिए गुस्से में नहीं है, उसे हिस्सा नहीं दिया इसलिए है। किस बात का हिस्सा नहीं दिया?
शिवा मिला क्या वो? डैडी वो लोग भाग गए, लेकिन वो जरूर उस काशी के ही आदमी थे। चलो खेल खत्म ही कर देते। रुको डैडी, बेमतलब गुस्सा मत करो, ऐसे लोगों से डील करना मुझे आता है। जिंदगी में दुश्मन से जीतने के लिए बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन दुश्मन को मारने के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। ये क्या किया तूने? सिर्फ डरा कर वापस आ गया? डैडी और शिवा वहां होंगे ये सोचा नहीं था, पहले तो उन दोनों को ही मार देना चाहिए भाई। उन लोगों को मुझे मारने के लिए हजार बार सोचना पड़ेगा, पर हमें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे इनकी मौत चाहिए। रेती के बिजनेस में जो मेरा हिस्सा मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, जो कांटे की तरह मेरे दिल में हमेशा चुभता रहेगा। इस बार ये इलेक्शन मैं नहीं जीत पाया तो अच्छा ही हुआ। इस वक्त वो विश्वनाथ डर से कांप रहा होगा, अब वो मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगकर समझौता करेगा। क्या हुआ दादी, आपने मुझे बुलाया? आ गया तू शिवा? बूढ़ी हो गई हूँ, कोई मेरी कदर ही नहीं करता, कोई मुझे मंदिर भी नहीं ले जाता, और इसी वजह से तुझे यहाँ पर बुलाया है। कोई बात नहीं दादी, चलिए आप, मैं ले चलता हूँ। दो मिनट रुको, तैयार होके आई। हाँ पार्वती, पूजा का सामान तैयार है। हेलो हेलो शिवा। हाँ भैया बोलिए। अगली फिल्म महेश बाबू की लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओ बढ़िया भैया, मेरा थिएटर बुक करना था इसलिए फोन किया है। अरे बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे थिएटर में 100 डेज कन्फर्म। देख छोटा मोटा काम हो तो करवा लेना, ठीक है, कोई कमी नहीं हो। हाँ करवा लूंगा भैया, अच्छे से करवाना। अच्छे से करवा लूंगा। चलो चलते हैं बेटा। हाँ आइए आइए। हाँ बेटा, तेरा काम धंधा ठीक से चल रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बैठिए। हाँ बेटा बैठ जाती, उम्र हो गई है ना, हाथ पैरों में दर्द रहता है। अब तू कहाँ जा रही है? मंदिर। अभी तो कहा था नहीं आऊंगी, पर अब आ रही हूँ ना, चुपचाप पीछे बैठो। ड्राइविंग आती है तुम्हें? ए हाँ। सिर्फ दिखने में लड़की है ये, बाकी सारी आदतें लड़कों जैसी है, ये बचपन से ही ऐसी है। तू बैठ जाना बेटा। अरे 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 मर जाऊंगी मैं तो, झटकी दे रही है। अरे धीरे चला ना, भगवान के मंदिर जाना चाहती हूँ, ऊपर मत भेज देना अभी। बेटा मुझे डर लग रहा है। भगवान बच गई मैं भी बच गया। बेटा शिवा हा? मेरी उतरने में मदद कर देना। हाँ दादी आइए, आराम से उतरिए, आइए आइए आराम से संभल के। अब उतरेगी कि नहीं? नहीं आना मुझे, आप जाओ, मुझे दूसरे मंदिर जाना है। अरे नकचड़ी, तुझे मंदिर से क्या लेना देना है, घूमने फिरने के लिए बहाना चाहिए था तुझे। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, जहाँ तुम्हें ड्रॉप करना है बता दो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ए बैठ जाओ, चलो बैठो। ए ऐसे सीरियसली क्या देख रहे हो? तुमने मुझे टच किया था ना, तो मैं भी सीरियसली ले लूं? बोलो। ए मैं तुम्हें ड्राइवर नजर आ रही हूँ क्या, जो इस तरह अनजानों की तरह गाड़ी में बैठकर जा रहे हो? तो फिर क्या करूँ? अच्छा तो जो मैं बोलूंगी वो करोगे क्या? हेलो गियर कौन बदलेगा? हाँ थर्ड गियर डालो, हॉर्न, डोंट टच। बस बहुत हो गया। हाय शिवा। हे सपना, हाय। कौन थी, गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं बस जानने वाली थी। जानने वाली थी क्या सच में? हे
हाँ का क्या मतलब है? पता नहीं क्या? नहीं पता। अगर तुम्हें नहीं पता तो अच्छा है। लगता है बड़े दिल से मांगा है। क्या मांगा है तुमने? हेलो, मैंने पूछा क्या मांगा? भगवान से जो मांगते हैं वो किसी को नहीं बताते। ओहो, ऐसा भी क्या मांगा है जो बता नहीं सकते? डैडी, इस हफ्ते में हमारे थिएटर में पिछले हफ्ते से कमाल का कलेक्शन होना चाहिए। बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है डैडी। अरे ये क्या, ट्रैक्टर लेकर ऊपर ही खड़े हैं? पता नहीं डैडी। अरे तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? रेती लेने आए थे डैडी, तो हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं। तुम लोगों से पैसे क्यों मांग रहे हैं? ये हमारी गांव की गोदावरी है, यहाँ के हर इंसान का इस रेती पर हक है। किसने मांगा पैसा? चलो देखते हैं। हमारे ही गांव की रेती के लिए तू क्यों पैसे वसूल कर रहा है? अरे तू तो काशी का आदमी है ना, तेरा यहाँ क्या काम है? ये सब मुझसे मत पूछो, विश्वनाथ जी ने वसूली के लिए कहा, जाकर उनसे पूछो। विश्वनाथ जी ने? ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ तो बोले, चाहे कोई भी हो, जब तक पैसा नहीं भरेगा रेती नहीं ले जा सकता। अरे ये रेती क्या उसके बाप की या तेरे बाप के जो पैसे मांग रहा है? चलो रे, विश्वनाथ जी से बात करते हैं। ए, तू भी चल, लेकर आओ उसे। चल। हाँ छोड़ो। आप जैसा बोलते हैं वैसा तो हम करते ही हैं, उनकी मदद तो हम ही कर सकते हैं ना। क्या बात है विश्वनाथ, रेती के बदले पैसे वसूल करने तुमने कहा है? ये बात बाद में करते हैं। हाँ, हमने जो सोचा है ये सही नहीं है। जनता से पैसे वसूल करना गलत है, उस रेती पर सबका हक है। पैसा वसूली रोको। तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला? चार लोगों को साथ में लेकर आएगा और मुझे रुकने के लिए बोलेगा, मैं रुक जाऊंगा? इलेक्शन में कितना खर्च हुआ तुझे पता है? तेरे एक एक आदमी को कितने पैसे दिए तू ये जानता है? मैंने कहा था बांटने के लिए। बांटना पड़ता है? बांटा था इसीलिए जीता हूँ। तुझे क्या लगता है लोगों के वोट देने से जीता हूँ? तू जैसा बोलता है अगर वैसा करूँ ना तो कटोरा लेकर रास्ते में भीख मांगनी पड़ेगी। ये सब कुछ तू पैसों के लिए कर रहा है ना, या फिर काशी से डरकर हाथ मिला लिया तुमने? अपनी बकवास बंद कर। ए, अगर तुझे पैसा ही चाहिए तो मैं देता हूँ। तुझे इसलिए नहीं जिताया ताकि तू आलतू फालतू लोगों से हाथ मिलाकर उल्टे सीधे काम करे। क्या बक रहा है तू? हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी पे हाथ उठाने की? ए, रुको, तुम में ये भी काबिलियत है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। छोड़ो मुझे। ए, जो बोल रही हूँ सुनो। क्या? पता है मैं कब से तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाह रही थी। तुम मुझे पसंद हो बहुत ज्यादा। इस बात को तुमसे कैसे बोलूं मुझे समझ नहीं आया। तुम हाँ बोलो, हम यही प्यार शुरू करते हैं, यही शादी कर लेते हैं और सुहाग रात भी यही मना लेते हैं और यही बच्चे। क्या हुआ, तुम्हें चलेगा ना? लक्ष्मण मार, मार लक्ष्मण, अरे मारना। ओए, तू जाके क्यों नहीं खेलता? मैं खुद ही फुटबॉल हूँ, मेरे बस की नहीं है। मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अरे अरे, हाँ मार मार, रुको रुको।
अरे बॉल उधर मारना चाहता था लेकिन गलती से उधर चला गया। लेके आ बॉल लेके आ। सॉरी बेटा, लगी तो नहीं ना? ए, देख के खेलो। ठीक है डैडी। बेटा तुम लोग कौन हो, पहले कभी देखा नहीं? मैं सरोजा की बेटी हूँ। सरोजा कौन? वो वसंता सरोज है ना, उन्हीं की बेटी हूँ। बड़ी हो गई हो तुम। किस क्लास में हो? इंटर सेकंड ईयर। अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझ जाओ। अरे सरोजा का नाम सुनते ही आंखों में चमक आ गई आपके। चल निकल। अरे आपकी चाल उसकी चाल मिलती जुलती है, दिखने में आगे से पीछे से कुछ ना कुछ तो मिलावट है। ज्यादा सताया तो मार खाएगा। अगर मेरे हाथ लग गया ना तो मारोगे क्या? जो मन में आया वो बकेगा ना तो मार दूंगा। हाँ शिवा, लाना पकड़ के उसे। अरे क्या रे तू? क्या बात है बेटा? डैडी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना बड़ा शौक देगा मैंने सोचा नहीं था। ये बात चार दिन पहले बोलता तो अच्छा होता, मैं विश्वनाथ से बात कर लेता। पर अब तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अभी जाकर पूछूंगा तो उसे लगेगा कि जरूर हम लोगों ने लड़की को फंसाया होगा। आप कुछ भी समझिए, मुझे इंदू चाहिए डैडी। डैडी वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तू और तेरी बातें, मुझे तो सब कुछ नया लग रहा है। ठीक है, कुछ दिन थोड़ा सब्र रख। ये सब झगड़े खत्म होने के बाद मैं खुद ही जाकर विश्वनाथ से बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू डैड। थैंक यू। बस बस बस। पापा, हाँ? मेरी एक फ्रेंड यूके जा रही है तो मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ। ठीक है। इसकी उम्र की सारी लड़कियाँ शादी करके घर बसा के माँ बन चुकी हैं और ये लड़की इस गांव उस गांव पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। पापा, अगर दादी ने मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं इनका गला दबा दूंगी। माँ, आप इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? कितनी बार बोला है आपसे इसके मामलों में मत पड़िए। कार चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए पापा, मैं बस में चली जाऊंगी। ला निकालो, कहाँ जाना है? रुको रुको, जाने दो। हाय। घर पे क्या बोल के आई हो? यही कि अपनी एक फ्रेंड को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ। क्यों हंस रहे हो तुम? कुछ नहीं। शिवा, 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 अरे तू थिएटर नहीं गया? बस अभी जा रहा हूँ। जल्दी जा। क्या है ये? मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब पीते हैं तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। एक बात कहूँगा बेटा, अगर इंसान को इसकी आदत लग जाए तो ये सब करना उसकी मजबूरी होती है, पर किसी को देखकर या किसी के कहने में आकर इस तरह के शौक पालना अच्छी बात नहीं होती है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। घर पे सिगरेट पीते हुए डैडी ने मुझे पकड़ लिया था। अच्छा, फिर तुमने क्या बोला? फर्स्ट टाइम अपने डैडी से झूठ बोला हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। सच में? मेरे लिए? अब ऐसे झूठ बहुत बोलने पड़ेंगे। इधर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? बात मत करो। क्या तुम रोमांस के बारे में जानते हो? मैं सिखाऊं क्या? शिवा, रोमांस का मतलब फीलिंग होनी चाहिए। मेरी कमर पे हाथ रखो, ऐसे मुझे पास में खींचो,
ए, इतनी जोर से नहीं, हल्के से। आप मुझे किस दो। ए, इधर। मुझे नहीं आता। बहुत सिंपल है, मैं सिखाती हूँ ना। अब मैं कुछ नहीं जानती, आज रात में हम फिर से मिलेंगे, ठीक है? आज रात में? ठीक है। इंदु, जरा संभल के। शिवा, तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो नहीं? नहीं, अभी तक किसी को नहीं बताया। ए, सच बोलो। हाँ, बस डैडी को बताया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी को मत बताना। अगर इस तरह सबको बताओगे तो मेरे पापा तक बात पहुँचेगी। पहुँच जाने दो, एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है शिवा, अगर तुम्हारे डैडी ने मेरे घर पर आकर बता दिया तो। डैडी किसी को नहीं बताएंगे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे डैडी मेरे लिए मेरी जान है। अब तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा हूँ मतलब? कल तो तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये भी कि मैं तुम्हारी जान हूँ। अब क्या हुआ, अब डैडी को जान बोल रहे हो? सच बताओ, दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करते हो? इतनी देर मत सोचो, जल्दी बताओ। तुम ही को। शिवा, आई लव यू। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, डैडी से मैं बात कर लूंगी। आप बटन्स खोलो। वो किस लिए? खोलो ना। ए, फोटो क्लिक क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर फोन के बिना नहीं रह सकते क्या? वो क्या है ना इंदु, एक मिनट भी तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। जब तुम मेरे साथ नहीं होगी ना, तो मैं ये फोटो देख लिया करूंगा। ठीक है, अब बहुत लेट हो गया है, चलते हैं। अभी रुक जाओ ना, हम कल मिल रहे हैं ना, अभी चलो यहाँ से, चलो चलो। डैडी, आप यहाँ कब आए? क्या बात है, आजकल तू बहुत ही बिजी हो गया, अपने डैडी के बारे में सोचता भी नहीं। ऐसी बात नहीं है डैडी। शिवा, प्यार करने का मौका जिंदगी में सबको मिलता है, और प्यार में जिंदगी भर खुश रहने का मौका कम लोगों को मिलता है। खुश नसीब होते हैं वो। तू अभी उसी स्टेज में है, एंजॉय कर। अच्छा दिन देखकर विश्वनाथ से मैं बात कर लूंगा। चल, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। ठीक है डैडी। हाँ इंदु, बोलो। ए शिवा, इस वक्त घर से सब लोग बाहर गए हैं, आने में सबको लेट हो जाएगा, जल्दी से आ जाओ। अभी? और क्या, जल्दी आओ, आओ ना। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। शिवा। हाँ? मुझे अब घर जाने में डर लगता है। वो क्यों? मेरे पापा मेरी शादी करवाने की बात कर रहे हैं। शादी? कोई लड़का है अमेरिका वाला, उससे शादी के लिए जोर दे रहे हैं। अमेरिका वाला? मार डालूंगा। ए, कूल, जो सच्चाई है वही बता रही हूँ, इसके लिए तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ठीक है, अगर मेरी शादी बिना मेरी पसंद के हो जाती है तो मैं जहाँ जाऊंगी वहीं आ जाना। वो जैसे ही तुम्हें देखेगा उल्टे पैर भाग जाएगा। वो नौबत आने ही नहीं दूंगा इंदु। तो फिर अब क्या करोगे तुम? ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इसी वक्त शादी कर लेते हैं। तुम्हें चलेगा ना? ए, कहाँ जा रहे हो? शिवा, कहाँ जा रहे हो? शिवा, वापस आओ। शिवा, शिवा। मैं कब
से यही सोच रहा था कि तुम ये बात बोलोगी और आज तुमने बोली दिया। पागल हो गए हो क्या? ऐसे हमारी शादी होगी? मेरा एक सपना है शादी ऐसी हो कि पूरी दुनिया देखे। और कितना इंतजार करूं? तुमसे बिछड़ने की बात सोच के ही मेरी सांसें अटक जाती हैं। अब मुझसे और नहीं होगा। शिवा, मैं अभी जाकर अपनी शादी के लिए पापा से बात कर लेती हूँ। अब लेट नहीं करूँगी। वैसे पापा को मनाना आसान तो नहीं है, पर मैं उन्हें कैसे भी मना लूंगी। तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? चलो चलते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा सब याद है ना? मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक मैं कॉल ना करूं तुम मेरे घर मत आना, मुझे फोन भी मत करना, ठीक है ना? ओके। आज या तो मैं या मेरे पापा, फैसला हो जाएगा। तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। लक्ष्मण पीना, हाँ तुम लोग बिना उठाओ। अरे बोलना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? ए लक्ष्मण, हाँ डैडी, शादी कर ले रहे? हाँ वो तो मैं भी चाहता हूँ डैडी, पर लड़की कौन देखेगा? मैं देखूँ क्या? हाँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये काम करके पुण्य कमा लो। तेरी शादी मैं करवाऊंगा। अच्छा। हेलो। हाँ डैडी, कहाँ पे हैं आप? जरा बाहर आया हूँ। डैडी मुझे आपसे अर्जेंट में बात करनी है। हाँ हाँ बोलना। वो इंदु कह रही थी कि वो हमारे बारे में अपने डैडी से बात करने वाली है। वो क्या बोलेंगे उसी की टेंशन हो रही है मुझे। उसके डैडी की तो ऐसी की तैसी, लेके आ जाओ उसे, मंदिर में शादी करवा देता हूँ। ऐसी बात नहीं है डैडी, मेरी बात तो सुनिए, आप भी वहाँ चले जाइए ना डैडी। इंदु जब उनसे बात करेगी आप वहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे वो बात नहीं है रे। ठीक है, आता हूँ तेरे लिए। क्या बोलते हो तुम? ज्यादा ज्यादा चिल्लाएगा और क्या, फिर मान जाएगा। अरे विश्वनाथ के घर पे तो क्या, तेरे लिए कहीं भी आऊंगा मैं, ठीक है? अरे विश्वनाथ आज तो हो गया रे। डैडी है लक्ष्मण। हाँ बोलो शिवा। डैडी कहाँ पर है? डैडी, अरे आपसे फोन पर बात हुई थी तभी तो चले गए थे, घर पर नहीं आए क्या? क्या हुआ? इंदु इसका भी फोन नहीं लग रहा है। शिवा। डैडी कहां पर हैं आप? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ है कहां पर? डैडी वो अब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने ही मना किया था बताने को। कैसे हुआ डैडी ये? अरे तेरे लिए बात करने के लिए मैं विश्वनाथ के घर जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मतलब आप गए ही नहीं थे? पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, इंदु कैसी होगी, फोन भी रिसीव नहीं कर रही है डैडी। अरे कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत, डर मत। अरे तेरा नाम लेते ही
तेरी आरती उतारने के लिए घर पे बुलाएगा विश्वनाथ? थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कृष्ण राव होगा खेत में, थोड़े पैसे देगा, जा ले आ। ए, तुझसे कह रहा हूं, जा पैसे लेकर आ। अरे इसे उधर ले जाकर रखना। हाँ उस तरफ ले जाकर रख। सुबह से काट रहे हो, अभी एक ट्राली माल भी नहीं इकट्ठा कर पाए। जल्दी करो, मुझे ट्राली भेजनी है। कृष्णा राव जी, वो डैडी ने पैसे लेने के लिए भेजा है। हाँ डैडी ने बोला तो था, थोड़ी देर हो गई। हेलो। हेलो शिवा। से बिसरना, दिल से बिखरना, पल भी ठहरना हो पिया। अटकी सांसे है, नैना प्यासे है, तेरी आसे है हो पिया। बहके ना तेरे बिना, सावन बरसे ना, मन भी तरसे ना, तन भी हर्षे ना तेरे बिना। चल रहा है यहाँ पे? कल रात में मैंने पापा से बात की थी और तब से ही घर में झगड़े चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मार डालेंगे, मैं मर जाऊँ तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो बस। तेरे जैसे छोटे लोगों को अपने पास रखकर बहुत बड़ी गलती की। तू और तेरा डैडी नाटक कर रहे हो मेरे साथ। निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसे। चलो
ए, शादी होने तक नजर रखो इस पे। ठीक है भाई, आप चिंता मत करो भाई। ए, तो फिर से आ गया क्या रे? अरे घर पे ताला लगा हुआ है, सब लोग कहाँ गए? कहाँ गए सब लोग? अरे भाई तू मुझे क्यों मार रहा है? इंदू जी की शादी हो गई, उन्हें अमेरिका भेजने के लिए सब लोग उनके साथ हैदराबाद गए हुए हैं। भाई मेरे ख्याल से इंदू जी तो अमेरिका पहुंच भी गई होगी। Thank you.
रोको 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 यही हैं हैं कुछ भी नहीं बदला, वही पत्थर है, वही गंदगी है, वही गंदी गंदी शक्लें हैं, ब्लडी विलेजर्स। हाँ कितना हुआ रे? कितना भी दे दीजिए सर। ए तू बोल नहीं सकता क्या, कितना हुआ पता? जितना हुआ आप दे नहीं पाएंगे। क्या कहा? मैं रिक्शे का किराया नहीं दे सकता? मेरा घर, मेरी खेती, मेरा बैंक बैलेंस तुझे पता है कितना है? पता? 50 रुपए हुए। क्या कहा 50 रुपए? इतनी सी दूर रिक्शा लाने का 50 रुपए होता है? ये ले 10 रुपए पकड़। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी जो ये नमूना मिल गया। अरे कोठारी भाई कब आए, कैसे हो? कुछ नहीं यार, गांव की ओर तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए चला आया। तू तो बिल्कुल नहीं बदला। नहीं बदला तो चाय नहीं पिलाएगा क्या? वापस शुरू हो गया। एक चाय दे रही इसको। तमीज भूल गया क्या, चाय के पहले पानी पिलाते हैं। तेरे नाटक भी कम नहीं हुए। क्या रे, सादा पानी? मिनरल वाटर से कम मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। पता है कल बड़े सर के घर गया था, नौकर ने सादा पानी पिला दिया तो गोविंदा जी ने घर से निकाल दिया उसे। गोविंदा जी? हाँ। तू उनके घर क्यों गया था यार? बुलाया था यार, पीछे पड़ गए कि मेरे बेटे का रिश्ता करवा दो। क्या क्या बताओ यार, उनके बेटे को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ा काम हो गया। अरे कोठारी, मेरी एक बेटी है, बीए सेकेंड ईयर में है, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं हम लोग, जरा गोविंदा जी से बात चला देना। अच्छा, तुम उसका फोटो लेकर ना शाम को मेरे घर आ जाना, बहुत जल्दी रिश्ता करवाना चाहते हैं, कनेक्शन करवा दूंगा। बाप रे, इसका फेंकना अभी तक बंद नहीं हुआ, इसको कैसे भी करके रोकना होगा। अरे भाई तेरे से एक बात करनी है। हाँ बोलना। अंबानी का पीए फोन कर करके दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा, ये बात? वो गैस पाइप डाली है ना, वो कहीं लीक हो गई ऐसा बोल रहा है। अब किधर लीक हुआ पता नहीं, लेकिन रोज फोन कर करके दिमाग खराब कर रहा है। अब बोल क्या बोलेगा? अब समझ में आया, 3 दिन से फोन कर करके बुला रहा है मुझे। कौन रे? और कौन रे, मुक्की अंबानी। अरे बाप रे, मैं उसका फोन नहीं उठा रहा हूँ ना, इसलिए उसके पीए ने अपने सूत्रों से तेरे और मेरे गांव का पता लगा लिया है और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा सुन, तुम उससे वादा कर, ये लो। अगर कहीं तेरे पास उनका फोन आ जाए तो उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल मत कहना कि तेरा और मेरा गांव एक है। नहीं नहीं, अब मैं क्या क्या हैंडल करूं यार, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। 2 समोसे का ऑर्डर करना। अरे 2 समोसा दे रहे, खाने के लिए और कुछ नहीं है क्या? अरे आप पहले ये तो खा लो भाई, और ला कर दे। चाय कब आएगी यार? ये खाओ फिर चाय आ जाएगी। बोल दिया है तो आ जाएगी, बस खाने के लिए ये। डैडी नमस्ते। क्या हाल है कोठारी, अभी आए हो क्या? हाँ अभी आया। कैसा चल रहा धंधा? अब क्या बताऊं डैडी, एक दिन गांव में आए हुए हुआ है और उनके 100 फोन आ गए हैं, अगर मैं ना रहूं तो उनकी कंपनी नहीं चलती। हमारे शिवा के बारे में कुछ सोचा क्या? जितना भी समझा लो समझता ही नहीं है। जो जैसा है वैसे ही समझाना पड़ता है, तब दिमाग में घुसता है। आप उससे प्यार करते हो, आप बोलेंगे तो नहीं समझेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, इस बार अपने साथ ले जाऊंगा उसे। कुछ भी कर लेकिन उसे यहाँ से लेके जा। जरूर ले जाऊंगा डैडी। हाँ। ए, तू यहाँ क्या कर रहा? चल गाड़ी में बैठ, चल। इससे तो बच गया भाई। चलता हूँ मैं। ठीक है डैडी, जल्दी चलो डैडी, चलता हूँ। क्या रे, डैडी को क्या बोला तूने? इंदू,
तुम्हारा शिवा। चलो चलते हैं, 3 सालों से घुट रही थी, आज मिल गई है आजादी। मेरे घर के सामने आकर क्या बकवास कर रहा है, है? तुझे पता नहीं है क्या, तेरी बेटी ने मुझसे प्यार किया है। क्या बक रहा है तू, क्या बक रहा है तू? ओए चिल्ला मत, जब तुझे पता चला तो तूने इसकी शादी करके उसे यहाँ से भेज दिया, और ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। वो मेरी हिंदू है और हरदम मेरी ही रहेगी, इसीलिए वो यहाँ आई है। हिंदू बाहर आओ, हिंदू। तेरे पापा को और इस पूरे गांव को क्या पता कि तू मुझे कितना प्यार करती है? तू आकर इन सबको बता ताकि इन्हें पता चल जाए। निकल के बाहर फेंको इसे, बाहर फेंको इसे। तुम लोगों से मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है, किसी ने भी हाथ लगाया तो काट डालूंगा मैं। योर है, धमका रहा है तू? धमका नहीं रहा हूँ, वक्त आने पे मार भी डालूंगा। ए, जिस लड़की की शादी हुई है उसके घर पे आके क्या नाटक कर रहा है तू? हिंदू, तेरे लिए मैंने 3 साल इंतजार किया है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, जब तक तू नहीं आती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हेलो महेश। इंदो, जब से तू गई है तब से अपने दिल का दर्द इससे बांट रहा हूं। हमारे प्यार का सबूत सिर्फ और सिर्फ यही है। देखो, ए, चल खड़ा हो। तुझसे कह रहा हूं खड़ा हो। स्टेशन में बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। दोबारा मेरे घर की ओर देखना भी मत। हिंदू, तू किसी से डरना मत, मैं आके तुझे ले जाऊंगा। बैठ गाड़ी में। ए, मालिक, सबूत की बात कर रहा था, इस गाड़ी को जला दो। जी मालिक। जी, सर, एक चाय लेकर आओ। ओके सर। शिवा कहाँ है? ए डैडी, क्या बात है, बहुत लेट आया तू, क्या गांव में नहीं था क्या? कब से वेट कर रहा था कि तू आएगा आएगा, लेकिन जब तू नहीं आया ना तो अपने तरीके से उसकी खातिरदारी कर दी। शिवा, किसी ने केस नहीं किया है और FIR भी नहीं लिखी है। बोला था ना, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया कुछ नहीं कर पाएगा, दोबारा उस घर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो क्या करूंगा सोच भी नहीं सकता। चलो।
शिवा, 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 कहाँ गया होगा? तुझे मुझे छोड़ के गए, ये 3 साल मैंने कैसे सहे हैं मैं तुझे बता भी नहीं सकता। पागलों की तरह इंतजार किया, मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगी। मैं यहां पर कितने दर्द में था, और मुझे पता है तू भी मेरे लिए तड़पी होगी। तुझे याद कर मेरी आंखों में आंसू नहीं, खून बहते थे, लेकिन मैंने अपना दर्द किसी को नहीं बताया। मैं इतना बोले जा रहा हूं और तू साइलेंट क्यों है? कुछ तो बोल, तू इतने सालों के बाद गांव आई है, बोलना। मैं तेरे घर के पीछे पागलों की तरह घूमा, लेकिन तू मुझे नहीं मिली। आखिर क्यों? मैं यहां पागलों की तरह बोले जा रहा हूं, तू अभी तक चुप क्यों है? आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, आज तुझे बताना ही पड़ेगा। जब तुझे ये रिश्ता निभाना ही नहीं था तो तूने मुझे अपने पीछे भगाया क्यों? तू भी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, बता। ओ, अब तो किसी और की पत्नी हो गई है इसलिए? तेरी शादी किसी और से हो गई है तो मैं तुझे छोड़ दूँ? ऐसा प्यार नहीं है मेरा। इंदु, आखिर तू डर क्यों रही है? मैं तेरा शिवा हूँ, खुद से भी ज्यादा मैंने तुझे प्यार किया। मैं तेरा शिवा हूँ। ठीक है, चल हम चलते हैं यहाँ से। अब अगर तेरे और मेरे बीच में कोई आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आज और या पार का फैसला हो ही जाएगा। इंदु, समझ गए? इंदु, इंदु, शिवा, 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 छोड़ दो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पागल हो गए हो क्या? आखिर ये क्या कर रहे हो तुम? सच है, प्यार किया था हमने और सपने भी देखे थे, पर एक भी सच नहीं हुआ। शिवा, तुमने अगर सच में मुझसे प्यार किया होता तो मेरी खुशी में तुम भी खुश होते शिवा, समझे? लेकिन तुम पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हो। ये सब करके तुम हमारे घर को बदनाम कर रहे हो और कुछ नहीं, और साथ में तुम मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। शिवा, झूठ, तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। क्या बकरी है तू? मैं तुझे प्यार नहीं करता, ये तू अपने बाप से डर के बोल रही है ना? नहीं शिवा, तू चल यहाँ से, शिवा, तू चल यहाँ से, मैं कह रहा हूँ तू चल, मैं तेरे बाप से भी नहीं डरता, चल यहाँ से। शिवा, इंदु, चल, चल इंदु, मैं कह रहा हूँ तू चल यहाँ से, आज किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चल तू बस। इंदु चल, चल इंदु, अब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। छोड़ इसे, छोड़ इसे, तुझसे कह रहा हूँ, छोड़ इसका हाथ, छोड़ इसका हाथ, मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? तो पापा, क्या कर रहा है तू? शिवा, छोड़ो मुझे। इंदु, शिवा, क्या कर रहा तू? हाथ छोड़ इसका, कहा ना, छोड़, हट, हाथ छोड़ इसका। लेकर जा, चल बैठ। तुम दोनों मिलकर ये क्या नाटक कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा जो भी गुस्सा है वो मुझ पर उतारो। घर पर आकर औरतों से जबरदस्ती करते हो, मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, माफी चाहता हूँ विश्वनाथ, आज जो कुछ भी हुआ है दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कल नहीं होगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। जाओ, जाओ। Thank you.
क्या कर रहे हैं? जीप में बैठ, तुझसे ही कह रहा हूं। अरे बैठ रे, अरे जीप में बैठ ना, पागल हो गया ये भी लड़की के पीछे। आखिर तू चाहता क्या है, करना क्या चाहता है तू? उतर उतर। जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं इंदु के बिना नहीं जी सकता हूं डैडी। मैं उससे इतने दिनों तक दूर था फिर भी बर्दाश्त नहीं कर सका, और अगर अब मुझे ये पता चले कि वो मेरी कभी हो ही नहीं सकती तो मैं कैसे जी पाऊंगा? अरे उसकी शादी हो चुकी है, अब किसी की पत्नी है वो। उन्होंने उसकी शादी जबरदस्ती की है। शादी जबरदस्ती हो या मर्जी से शादी तो शादी होती है। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब तो भूल जाओ उसे। मैंने उससे प्यार किया है कोई मजाक नहीं जो इतनी आसानी से भूल जाऊं। और प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, समुन्द्र की लहरों की तरह जो कभी रुकती नहीं है। अरे तू पागल हो गया क्या? हफ्तों में लड़कियां बदलते हैं आजकल लोग, और प्यार प्यार बोलकर क्यों उस शादीशुदा लड़की को टॉर्चर कर रहा है तू? वो तुझे देखना भी पसंद नहीं करती, क्यों बार बार उसके घर जाने की कोशिश कर रहा है? छी, कैसा इंसान है तू? कितना समझाया समझता ही नहीं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अरे तीन सालों से कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन मैंने उसे याद ना किया हो। अरे मेरा प्यार सच्चा है इसलिए वो यहाँ वापस आई है। बंद कर मुंह अपना, बार बार वही कह रहा है। अगर दूसरी बार उस घर में कदम रखा ना तो तेरा डैडी तुझे नहीं मिलेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आप डराने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ भी समझ ले तू, उस घर में नहीं जाएगा बस। जाऊंगा, वो मेरे साथ आने के लिए डर रही है, मैं उसके डर को बाहर निकालूंगा। वो सिर्फ यहाँ मेरे लिए आई है, ये बात मैं सबको बताऊंगा। समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं, पागल हो चुका है तू। आज तक तेरा जो साथ दिया वही मेरी गलती थी, तेरे साथ अब मुझे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। कल ही हम ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे। नहीं आऊंगा, आऊंगा तो इंदु के साथ आऊंगा। कैसे नहीं आएगा, तुझे कैसे ले जाना मैं जानता हूं अच्छे से। चल डैडी, डैडी डैडी, आप हर बार उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, जरा इसके बारे में भी तो सोचो। क्या सोचना इसके बारे में? अगर वो इससे प्यार करती थी तो इतना डरी काई को? उसको किसी और से शादी करने की क्या जरूरत थी? डरती थी तो प्यार काई को किया? किसने प्यार किया और किसका डर? तुझे क्या लगता उसने इससे प्यार किया है या उसके डैडी से वो डरती है? दरअसल उसने इससे प्यार ही नहीं किया है, सिर्फ उसने इसका इस्तेमाल किया है शारीरिक सुख के लिए। ये आप क्या बोल रहे हो डैडी? हाँ, उस दिन शिवा ने मुझसे फोन पे कहा कि इंदु इन दोनों की शादी की बात करने वाली है, तो आपको भी वहां जाना चाहिए। उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और विश्वनाथ के घर जा रहा हूं ऐसा मैंने झूठ कहा था, लेकिन मेरा एक्सीडेंट जाते समय नहीं हुआ बल्कि आते समय हुआ। मैंने झूठ कहा था। तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है? पापा, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। पापा, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या है बोलो। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। इंदु, तुझे पता भी है तो क्या कह रही है? तू अंदर जा। पापा, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? मेरा गुस्सा आप मम्मी पर क्यों उतार रहे हैं? बोलो। मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। दरअसल मुझे आपसे यही बात करनी थी, लेकिन इतने दिनों तक बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसका नाम महेश है। क्या? वो लड़का मेरा क्लासमेट था, पूरी फैमिली यूएस में सेटल्ड है। उसका प्लान है कि हम शादी करके यूएस में सेटल होंगे। उसके पेरेंट्स अभी विजयवाड़ा में हैं, इसीलिए सारी बातें अभी कह रही हूँ। आप मेरे लिए कितना भी बड़ा रिश्ता देख लें, पर इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल सकता पापा। क्या क्या बोल रही है तू? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप हाँ बोले या ना, मैं शादी करूंगी तो महेश से। आप इस तरह से चुप क्यों हैं?
कुछ तो बोलिए पापा। बुलाओ उसको, अभी फोन करके बुलाओ उसको, कल ही सगाई कर देता हूँ। 10 दिन में तुम्हारी शादी करके तुम्हें भेज दूंगा। सच में पापा? लव यू पापा। मैं आपको कैसे समझाऊंगी, इसकी बहुत टेंशन थी मुझे। मैं अभी महेश को फोन करती हूँ और उन सबको आने के लिए बोलती हूँ। प्यार करती हूँ, उसका नाम महेश है। उसकी नजरें झूठी, बातें झूठी, प्यार झूठा, वो दरअसल इंसान ही गलत है। ये बात अगर शिवा को पता चल जाती तो कहीं कुछ हो ना जाए, उसे जाकर कुछ कर देगा, इसलिए डर गया मैं। सोचा 1 महीना 2 महीना साल भर में भूल जाएगा, और क्या, भूला नहीं ना वो। आखिर मैं तैयार हो गया ना, इतना सब होने के बाद भी क्यों छोड़ दिया, जाकर इंदु से बात करनी चाहिए थी। अरे पागल, जिस लड़की को अपनी गलती पे पछतावा नहीं है उस लड़की से क्या बात करता मैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद पता चला कि उस लड़की की सगाई हो गई है। मुझे ये गांव में दिखाई भी नहीं दे रही थी, ढूंढ ढूंढ कर आखिरकार उससे पूछने के लिए मैं उसके घर तक गया। गलत कर रही हो बेटी, बहुत मासूम है वो तुम पे जान छिड़कता है। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मान नहीं रहे। एक्टिंग बंद कर अपनी, सब जानता हूँ मैं, रात को मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। ओ, सुन ली थी? उसे अपने प्यार की गहराई में उतार कर तुम अब किसी और से शादी कर रही हो। तुम सिर्फ शिवा को नहीं, अपने माँ बाप को और अपने आप को भी धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रही हो। हेलो, क्या है? मैं चुपचाप सुन रही हूँ तो आप मुझे कुछ भी सुनाते जाएंगे क्या? मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, हो गया आपका? आपका बेटा 2-4 दिन मेरे साथ घूम क्या लिया, उसने सीरियसली ले लिया? अब उसे प्यार हो गया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने जो कुछ भी कहा उसने हर शब्द को सच्चा समझा। वो प्यार के ख्वाबों में खोया हुआ है और उसे पता भी नहीं, तुमने उसे सपनों की झूठी दुनिया में रखा है। आप इसे प्यार समझ लो या फिर धोखा, मुझे कुछ नहीं पता। उसके साथ घूमने तक तो ठीक था पर शादी तो सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैंने ऑप्शन ले लिया। ऑप्शन? ओहो, घूमने के लिए कोई मर्द चाहिए और शादी के लिए सॉफ्ट इंसान चाहिए ना? हाँ, तो क्या कर लेंगे आप? ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई हो। कितनी आसानी से कह दिया, इंदु से प्यार करता हूँ जब उसने कहा तो मुझे लगा था कि तुम एक संस्कारी लड़की हो, सोचा भी ना था कि तुम ऐसा गुल खिलाओगी। अब पता चल गया ना,
जाओ बोल दो। अभी तक तुमने उसका प्यार देखा है, उसका गुस्सा नहीं देखा। अगर उसे सच्चाई पता चली तो तुझे जीने नहीं देगा। तुझसे प्यार करके ये गलती तो कर दी उसने, अब तेरी मौत की दूसरी गलती करे ऐसा मैं उसे करने नहीं दूंगा। आप इस तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके टाइम मत वेस्ट कीजिए। आई डोंट केयर। ब्लैकमेल करने की जरूरत क्या है तुझे? देखते जा, वो तुझे भुला देगा और तुझसे भी अच्छी लड़की से मैं उसकी शादी करवाऊंगा। जो करना चाहते हो करो। बेटी की शादी होने तक राइस मिल में शिवा को रखा और उसने वहीं पे उसे पिटवाया। एक एक को काट के रख दूंगा ये सोच कर रखा था मैंने, लेकिन अगर मैं कुछ करता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इस खेल को यहीं खत्म कर दूंगा करके छोड़ दिया। आप बोलते थे कि गांव छोड़ दे, मैं सोचता था आप उसको गुस्से से बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं पता था कि आप दिल में बोझ पाल रहे हो। ठीक है चल। क्या बात है? टेंशन हो रही है? मुझे किस बात की टेंशन? तुम्हें 2 दिन से टॉर्चर कर रहा है, मुझे तो 3 सालों से टॉर्चर करता आ रहा है। उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। इतना टॉर्चर किया उसने, लगता है कि उसे गोली मार दूँ। मेरे आदमियों को मारा, मेरे गोदाम में आग लगा दी, घर पर आकर झगड़ा किया, हाथ पकड़कर बाहर ले गया, बात यहां तक पहुंच गई। उसको कुछ करते क्यों नहीं ये बात सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं। उनको पता नहीं है ना उसके ऐसा बनने के पीछे मेरी बेटी है। सारी गलती मेरी बेटी की है। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? चुप, अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। अपनी बेटी को बुरा कहे ऐसा कोई भी बाप नहीं हो सकता। मैं भी वैसा ही हूँ। अगर मैं उसे कुछ करूँ तो उसके पास कौन सी फोटो है, कौन सी वीडियो है, किस दीवार पर लगा दे, ये सोचकर कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2 दिन में तुम्हारा पति आ रहा है, उसे ये सब पता चला तो पता नहीं क्या होगा। आप महेश के बारे में कुछ भी मत सोचिए, मैं उसे मैनेज कर लूंगी। मुंह बंद कर। बदतमीज कहेगी। मैनेज कर लोगी? क्या कर लोगी? शिवा के साथ तुम पूरे गांव में घूमी हो और शादी उसके साथ की हो, यही बोलोगी तुम उसको? तुम्हारे जैसी लड़की को तो घर से बाहर एक, गांव से बाहर एक, मेन रोड पर एक, माँ के गांव में एक, बाप के गांव में एक, और शादी करने के लिए एक होना चाहिए। ऐसे लोगों में से सिर्फ एक होता है जो सिंसियरली प्यार करता है। हमारी किस्मत खराब थी कि हमें ये मिला। पूछा जाए तुमने ये क्यों किया तो तुम बोलोगी मस्ती के लिए किया। मस्ती के लिए किया ये? अपनी मौज के लिए, अपनी मस्ती के लिए तुमने उसे सजा दी? तुम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो, वही बाद में इतनी बड़ी गलती हो जाती है, फिर ये तुम्हारे माँ बाप का पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती। बस कीजिए, आपको पता ही था तो जब मैंने महेश से शादी करने की बात की तो क्यों तैयार हुए? अपनी इज्जत के लिए हुआ। एक बाप की जगह पर रहकर जरा सोचो, इन दोनों में से कौन बेहतर रहेगा ये सोचकर महेश से तुम्हारी शादी करवाई। स्वार्थ बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी रहे यही स्वार्थ था। एक बाप था ना मैं, अब कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, मैं देखता हूं उसको। तुझे मेरी एक मदद करनी होगी काशी। बातों से बात बन जाए तो मारपीट क्यों करूं ऐसा सोचा था मैंने, पर अब ऐसा नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई है कि उसे मारना ही पड़ेगा। 2 दिनों में मेरा दामाद आ रहा है, उसके सामने भी अगर ऐसे हालात रहे तो अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचकर डरता हूं। अब शिवा को रोकना मेरे बस की बात नहीं रही काशी, क्या करूं मैं? इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें जिता दूंगा, ये रेती का धंधा भी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। आज तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मार देते हैं। हाँ? उसे मार दोगे? मैं तो पहले ही कह रहा था, मेरी बात नहीं सुनी तुम लोगों ने, घर तक लेकर आ गए उसको, अब तो मेरी बात मान लो। मारना वरना ठीक नहीं होगा। तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता हूं, बस मेरे दामाद और मेरी बेटी के गांव से जाने तक वो इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है,
तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। सुनो, जाओ उसे ढूंढो, वो कहीं भी मिले उसके हाथ और पैर बांध कर अपने गोडाउन में लेकर आओ। ठीक है भाई। को देखा क्या? नहीं देखा भाई। शिवा को इधर देखा क्या? नहीं भाई। उधर हो सकता है, चलते उधर। अभी तक जो नहीं रोक पाया, कल से क्या रोक पाएगा? मुझे क्या करना है मुझे पता है। शिवा बोल, बुड्ढे से पूछते हैं। अब बुड्ढे, शिवा को देखा क्या? वो झोपड़े में है भाई। आज नहीं छोड़ेंगे उसको। कहां पर है तू?
किसने भेजा तुझे? विक्रांत ने या फिर काशी ने? मर जाना चाहिए, मार डालो उसको, समझ गए ना? हेलो, जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसने मुझे मारने के लिए भेज दिया। मैंने उसके लिए कितना दर्द सहा, वो भी मुझे मरवाना चाहती है, ये बहुत गलत है।
मार मुझे, मारना। जब तक कि मैं मरना जाऊं मुझे मारता रहे, मारना। फिर जाके उससे बोलना मैं खुशी से मर गया, बहुत ही सुकून से मरा मैं, जाके बोल देना मुझे। तो कितना बड़ा प्रेमी है रे, तू अगर खुशी से मर गया तो मेरा गुस्सा कैसे शांत होगा। तुझे ऐसे नहीं मरना है, तड़प तड़प के मरना है तुझे। तू तड़प के मरे इसलिए तुझे एक सच्चाई बता रहा हूं, उसने तुझसे कभी प्यार नहीं किया, इस्तेमाल करके छोड़ दिया तुझे। तुझे लगता है उसकी शादी उसके बाप ने करवाई थी? अरे वो खुद के पसंद से शादी करके गई थी। तू सोच रहा था कि वो तुझसे सच्चा प्यार करती है, पागल कुत्ते की तरह घूम रहा था उसके पीछे। दर्द हो रहा है? प्यार करने के लिए, या फिर मैंने कहा था शादी करने के लिए? बताना, मैंने तो तेरे सिवा जिंदगी में किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तूने कितना कुछ बोला था लेकिन सब झूठ था। क्यों किया तूने ऐसा? अगर तुझे यही सब चाहिए था तो पहले बोल देती। तूने इतना नाटक क्यों किया? तूने प्यार का नाम देके मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। क्यों किया तूने ऐसा? तूने मुझसे कहा था ना, अगर तेरी मौत आए तो मुझसे एक मिनट पहले आए। तू मेरी जान है इंदू, मेरी जान है, इसलिए मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए तू मुझे मरवाना चाहती थी, लेकिन मैंने तुझे सच्चा प्यार किया है, और मैं तुझे कैसे मार सकता हूं इंदू? तुझे मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। जा, मैंने तुझे तेरी जिंदगी की भीख दे दी, ये सोचकर तू जिंदगी भर तड़पेगी। यही तेरी सजा है इंदू। जाओ, मैं तेरी जिंदगी को तुझे भीख में देता हूं मैं तुझे। मैंने सोचा भगवान है ही नहीं, पर
पहचान है। मरने से पहले मुझे तेरी सच्चाई पता चल गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैंने तेरे जैसी लड़की से प्यार किया, इसलिए मेरा यही हाल होना था। मुझे मुझे तो अब खुद पे घिन आ रही है। मैंने तेरे जैसी लड़की से सच्चा प्यार किया, तेरे जैसी लड़की से। अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था मेरे साथ, यही होना चाहिए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। डैडी, डैडी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दीजिएगा। शिवा, शिवा, शिवा,